देखो भाई वोट ही डूब गई, मेरे को वोटिंग करनी ही नहीं है। अनीश बोल रहा था कि उसको जिपलाइन करनी है, तो उसको जिपलाइन करने के लिए भेजा है। अभी उसको भी वीडियो दिखाते हैं आपको। इतना स्ट्रगल किया ऊपर चढ़ने के लिए, ओनली एक चीज देखने के लिए। पैर मारो पैर। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ, जैसे आप सभी ने टाइटल देखा ही होगा, तो आज हम जा रहे हैं राजस्थान का छोटा शिमला, राजस्थान का शिमला में जा रहे हैं। आप सभी को पता है जैसे माउंट आबू बहुत फेमस जगह है राजस्थान की, तो आज हम घूमेंगे, आपको भी साथ में घुमाएंगे, तो बने रहिए व्लॉग के साथ। टाइम हो चुका है 5:22, तो अपनी ट्रेन थी जो कि लेट हो चुकी है, 4:45 पे थी, लेट हो चुकी है। ट्रेन नंबर देख लीजिए आप, ये ट्रेन नंबर है जिसमें भी जिसको भी आना हुआ, इसमें कभी ना आए, हमेशा लेट हो जाती है। मेरे साथ आज जा रहे हैं अनीश भाई, शुभम भाई और राजेश्वर भैया। अभी एक बार हेलो कर दो, हेलो। तो अभी हम मिलेंगे सीधा आगे माउंट आबू। टाइम पे ट्रेन आ चुकी है, पूरे पूरे टाइम पे पूरे टाइम पे। क्या टाइम हो गया वैसे? 5:38 पे पहुंच चुकी है, पूरे टाइम पे, जो कि इसका टाइम था 4:44 का। ये क्या 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 ले रहे हो भाई? क्या 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 दो दो प्लेट सभी ले लेते। हाँ ठीक है, दो दो बहुत है यार, चार चार प्लेट क्या करनी। रेलवे स्टेशन से माउंट आबू 30 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर प्लेन है और 22 किलोमीटर का हिल है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है चढ़ाई, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी माउंट आबू की। देखो राइट साइड के अंदर कैमल रॉक है, देखो दिस वन राइट हैंड साइड कैमल रॉक, देखो का रॉक है। भाई जी बंदे को आ रही है उल्टी, अभी थोड़ा सा चले थे, खैर मेरे को आनी चाहिए थी पर मेरे को तो नहीं आई। थैंक यू भाई मेरी जगह लेने के लिए। भाई जी व्यू चेक करो, व्यू चेक करो, व्यू। बहुत ही शानदार व्यू। We'll be right back.
पट्टी का काम हो गया, अभी चलो सीधी का काम करने चले। अभी सीधी तो दोस्तों रास्ते में रुके थे हम, इसको फिर से उल्टी आई एक बार, फिर से बेचारे के उल्टी कर करके बुरा हाल हो गया। और देखो सामने मेरे को कोई मिला भी, कमेंट करके बताओ कौन है ये। इधर इधर भाई इधर चलो लो। पहुंच चुके हैं माउंट आबू, तो रास्ते में रुके थे चाय पीने के लिए ये होटल में। देखो अपनी टीम पहले ही खड़ी है यहाँ पर। चलो आ जाओ आक्रमण, चलो कर दो आक्रमण। भाई जी आ गए हम होटल में, बैठिए बैठिए सर बैठिए। क्या क्या खाना पसंद करेंगे सर आप? सर क्या खाना पसंद करेंगे बताइए। हल्का हल्का माहौल चल रहा है, उल्टी का माहौल इधर, तो भाई बंदा पतला हो गया उल्टी कर करके। ऐसा अभी हम जा रहे हैं, कौन सी झील जा रहे हैं? नक्की लेक जा रहे हैं। तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि फर्स्ट व्यू पॉइंट है, तो आगे का आपको दिखाते हैं क्या ही अपना व्यू पॉइंट है क्या नहीं है, जो भी होगा आपको साथ में दिखाएंगे। आप सभी बने रहें ब्लॉग में। ये एरिया का क्या नाम है ये वाले का? ये पोलो ग्राउंड एरिया। ये अभी है हम पोलो ग्राउंड एरिया, पोलो ग्राउंड के अंदर खड़े हुए माउंट आबू का सेंटर पॉइंट पोलो ग्राउंड। सामने गुरुद्वारा है माउंट आबू का, गुरुद्वारा साहब जो कि ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल गुरुद्वारा है। गुरु नानक साहब आए थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, गुरुद्वारा साहब का नाम है नानक दर्शन गुरुद्वारा। ओके जी। पर्यटकों के लिए ठहरने की सुविधा भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? नक्की लेक। अपन जा रहे हैं नक्की लेक, जो कि नेचुरल ब्यूटी है ऑल ओवर राजस्थान के अंदर। वन पीस हिल स्टेशन है माउंट आबू जहाँ हम जा रहे हैं, और माउंट आबू में नक्की भी लेक ही है जो कि बहुत फेमस है। मैंने गूगल पे देखा था इसका नक्की लेक। चलो चले नक्की लेक। आज जिस गाड़ी में सवार होके जा रहे हैं जिनका नाम है सरदार जी बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जी, ओके जी। बनता है था आपको बोलते हैं जो बबलू बबलू नाम बबलू भाई है। ओके जी ओके। आपको मैं नक्की लेक के ऊपर लेके जा रहा हूँ, जो कि आराम से राज्य के पेट भर के घूम गया। पंजाबी हो जाए। हाँ थोड़ी जी पंजाबी भी। सी नक्की लेक जा रहे हो, नक्की लेक नू राज्य के घूम के आना, राज्य के पूरा मतलब पूरा एंजॉय करके आना। लेफ्ट साइड के अंदर पहाड़ी के ऊपर टूट रोक है, ऊपर मैं वो मेंढक की शेप का रोक है। अच्छा, फिर तुर के जाना है पहाड़ी के ऊपर। इतने 2 घंटे का टाइम है, 1.5 से 2 घंटे। Light, medium, and dark roast, I love them all the same. Come with me to the coffee shop, and son, I will explain. I'll take you to the coffee shop, then I'll pour you up a cuppa. Latte, espresso, or drip. Sit back, relax, and sip. Oh, hot and black, sweet and blonde, I love them all sorts of ways. Turkish grind from the front and behind, we'll be crushing beans all day. अभी हम माउंट आबू के नक्की लेक, नक्की लेक बोलते हैं इसको, नक्की लेक ही बोलते हैं ना, नक्की लेक में आ गए हम। इससे बढ़िया तो भैया अपनी चंडीगढ़ वाली है सुखना लेक। भाई जी देख लो इसका रेट, 150 में 10 मिनट, और वोटिंग 400 में आधा घंटा। क्या मतलब है यार, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। ये तो ऐसा है ना, शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। चलो छोड़ो ऊपर चलते हैं, रोक चलते हैं। कौन सा रोक है वो? राजस्थानी ड्रेस, जो कि मुझे आपको पता है कैसी लगती है। मुझे करनी वोटिंग करनी ही नहीं है, वोटिंग मुझे करनी ही नहीं है। इतनी साफ वोट में तो मैं कभी वोटिंग ना करूँ। देखो कितनी साफ है भाई, ऐसी वोट में मैं कभी वोटिंग ना करूँ। आप करोगे? कमेंट करके बताओ अगर करोगे तो। मैं तो कभी ना करूँ। So, अभी फाइनली हम दूसरे व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जो कि है ये ऊपर जो मेंढक की तरह बना हुआ है। क्या है? टोंग रॉक।
जो भी है मेंढक की तरह बना हुआ है पहाड़। इतना स्ट्रगल किया ऊपर चढ़ने के लिए ओनली एक चीज देखने के लिए, दिखा रहा हूँ क्या देखने के लिए इतना स्ट्रगल किया, इतना सांस चढ़ गया। इसको देखने के लिए आया हूँ, इसको देखने के लिए। किसने बोला था माउंट आबू जाने के लिए? कचड़ा पड़ा हुआ। ये देखो सामने क्या लिखा, बबली बदमाश है क्या? मेरे को नहीं समझ लग रहा क्या क्या लिखा है। बबलू बबली क्या लिखा है ये? ये मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लग रही है जो कि यहाँ का व्यू। ये देखो ये बना हुआ है मेंढक की तरह पहाड़, इसको देखने के लिए आए। हाँ यार दुकान तो नहीं बताई, लेकिन यार अच्छा है ये बिजनेस। तो घूम लिए, दो व्यू पॉइंट देख लिए, एक तो वो लेक वाला व्यू देख लिया और ये एक ये था ना रॉक वाला। ये कुछ खास नहीं लगा, ठीक था, मतलब जो पहली बार आ रहा है उसके लिए बढ़िया है। जैसे हम लोग एक बार शिमला वगैरह घूम लिए तो अपने लिए ये कोई पास नहीं, ठीक है। मतलब अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं हनीमून पॉइंट, हनीमून पॉइंट जा रहे हैं। चले फिर। अच्छा भाई बताओ, हनीमून पॉइंट पे 2 किलोमीटर पैदल चल कर जाना पड़ेगा? पैदल चल के जाना पड़ेगा, पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। एंट्री नहीं है गाड़ी की, वहाँ थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से मना। ये भाई पता क्यों खुला है? यहाँ पे जहाँ जा रहे हैं वहाँ गणपति मंदिर है, ऑल ओवर माउंट आबू में बनती है गणपति, और ऊपर से हम लोग आए इसलिए भी खुला है। आप लोग आए इसलिए नहीं है? हाँ आज बुधवार है। अंकल ने तो मेरा मोए मोए कर दिया, मोए मोए। लेकिन हम लोग को नहीं पता था ना, लेकिन हम लोग मुंह में मिट्टी नहीं बनने का। देखो भाई वो सामने ऊपर थे हम पहले, वहाँ पर बैठ के वीडियो बनाए थे। अभी हम जा रहे हैं आगे हनीमून पॉइंट। हनीमून पॉइंट ये भाई जी। अभी फाइनली हम आ गए हनीमून पॉइंट पे। हेलो 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 हेलो। देख लिया हमने हनीमून, क्या नाम है हनीमून 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 पॉइंट भी देख लिया जो था। ये सही था, मतलब कुछ खास नहीं था, मतलब ठीक ठीक था, कुछ अच्छा नहीं लगा। कौन से वाले वहाँ पे थे हम पहले? वो है ना क्या बोलते हैं उसको, टोड रॉक, टोड रॉक, टोड रॉक। ये रहा टोड रॉक। पहले हम यहाँ इसी पे थे, यही पहाड़ पे था। सामने लाल स्टोन वाला गवर्नर हाउस। कौन सा हाउस? गवर्नर हाउस, गवर्नर हाउस, गवर्नर हाउस। ओके आई लव इंडिया का फोटो खींचे अंदर जाके। हाँ अरे हाँ खींचते हैं ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। अभी हम हैं लेक के बैक साइड, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो भाई अभी आगे हम वैक्स म्यूजियम,
ये देख लो ये सामने लिखा है जो भी है, वैक्स करवाने आए हम वैक्स म्यूजियम में। जिपलाइन करने के लिए भेजा है, अभी उसकी भी वीडियो दिखाते हैं आपको। देखिए ये है अबू रोड के स्टेशन के पास की मार्केट, जो कि हम ढूंढ रहे हैं चिकन, चिकन की दुकान। हाय कर दो भैया, हाय। तो हम एक मार्केट ढूंढ रहे हैं जिसमें मतलब नॉनवेज कुछ खाने के लिए देख रहे हैं, कुछ मिले। आप भी बने रहे ब्लॉग में, हम भी आपको दिखा रहे हैं। ये था सब लोग, आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए।